नमस्कार दोस्तों, देश विदेश जॉब वाला यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वीडियो जो है खास तौर पे उनके लिए है जो मध्य प्रदेश रहते हैं। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा पड़ता है। छिंदवाड़ा में जो है कल मतलब 29 अप्रैल 2024 को जो है रोज़गार मेले का आयोजन हो रहा है। छिंदवाड़ा में एक ITI कॉलेज है जिसका नाम है सतपुड़ा प्राइवेट ITI, जो कि आपका सीवनी रोड पे फटखा गोदाम है, वहीं पे पड़ता है। तो जो लोग भी ये हमारा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मध्य प्रदेश रहते हैं, छिंदवाड़ा रहते हैं या छिंदवाड़ा के आसपास रहते हैं, जिनकी भी क्वालिफ़िकेशन ITI है, ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, जो लोग भी रोज़गार की तलाश में हैं, सभी लोग जो है ये वीडियो ध्यान से सुन लें, देख लें, ताकि कल जो ये रोज़गार मेला होने वाला है उसमें आप सभी पार्टिसिपेट करके जॉब पा सकें। सबसे पहले जो है आपका यहाँ पे जो कंपनियाँ आने वाली हैं उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको। सबसे पहले सुजुकी मोटर्स आने वाली है। सुजुकी मोटर्स जो है आपके लिए ITI के कम ITI जिनकी क्वालिफ़िकेशन है उनके लिए है, ठीक है। सबसे पहले तो सुजुकी मोटर्स के लिए आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए, 18 साल से 26 साल उम्र होनी चाहिए, मतलब इंटरव्यू वाले दिन मतलब कल आपकी उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 26 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 26 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपका ITI भले आपने 10वीं के बाद किया हो चाहे 12वीं के बाद किया हो, ITI कंप्लीट होनी चाहिए। जॉब लोकेशन जो है आपका गुजरात में अहमदाबाद पड़ता है, अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर हंसलपुर पड़ता है। हंसलपुर में जो है सुजुकी मोटर्स का प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कार बनाने का, तो आपकी जॉब लोकेशन वहीं रहेगी। उसके बाद एक स्नाइडर इलेक्ट्रिक है। स्नाइडर इलेक्ट्रिक कंपनी भी बहुत पुरानी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाती है, जैसे आपका स्विच हो गया, स्विच बोर्ड हो गया, ठीक है, और भी सॉकेट वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। तो इसकी जो जॉब लोकेशन होती है ये हैदराबाद रहती है, ठीक है। उसके बाद एक कंपनी है आदित्य बिरला, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ है आपका उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में, ठीक है, रेणुकूट कहते हैं, तो वहाँ पे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ के लिए भी हायरिंग चल रही है, ठीक है। उसके बाद आपका यूनिपार्ट ग्रुप है और SMR ऑटोमोटिव है, विजन इंडिया सर्विसेज है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो वहां पे पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो जो भी भाई लोग हमारा ये वीडियो मध्य प्रदेश से देख रहे हैं, छिंदवाड़ा से देख रहे हैं, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन 10वीं पास है, 12वीं पास है, ITI है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, जो भी क्वालिफ़िकेशन है, अगर आप छिंदवाड़ा या छिंदवाड़ा के आसपास रहते हैं तो कल ज़रूर रोज़गार मेले में पार्टिसिपेट करें। जिन्हें भी जॉब की ज़रूरत है, ठीक है, जो लोग भी बेरोज़गार बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है रोज़ रोज़ नहीं मिलती है, इसीलिए आप सभी को सूचित किया जाता है कि कल ही ये सुबह 9 बजे से ये रोज़गार मेले का आयोजन होने वाला है, सतपुड़ा प्राइवेट ITI जो कि छिंदवाड़ा में सीयोनी रोड पड़ता है। सीयोनी रोड के आसपास आपका फटखा गोदाम है, उसी के आसपास ही ITI कॉलेज है। ध्यान रखिएगा कल मतलब 29 अप्रैल 2024 कल ही ये रोज़गार मेला होने वाला है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आने होंगे, आपका रिज्यूमे मतलब बायोडाटा, उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोकॉपी, उसके बाद ओरिजिनल भी कैरी कर लेंगे, जो भी क्वालिफ़िकेशन है आपकी, ITI डिप्लोमा, 10वीं पास 12वीं पास, ग्रेजुएशन, सबकी मार्कशीट वगैरह की फ़ोटोकॉपी, और उसके बाद आपका 5-6 अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख लेंगे, बैंक का कोई भी डॉक्यूमेंट, चेक या पासबुक, फोटोकॉपी के साथ साथ ओरिजिनल भी कैरी कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी भाई लोग हमारे जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल हमारे देश विदेश जॉब वाला से, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, अगर उनके पहचान में भी जान पहचान के लोग हों, ITI डिप्लोमा 10वीं पास 12वीं पास हो, रोज़गार की तलाश हो, अगर पहुंच सकते हैं, छिंदवाड़ा के आसपास रहते हैं या पहुंच सकते हैं जॉब इंटरव्यू के, तो पहुंचे, ठीक है। क्योंकि रोज़ रोज़ ऐसे जॉब फेयर नहीं होते हैं, जो लोग भी बेरोज़गार हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, वो ज़रूर कल पहुँचें, ठीक है। बाकी और अधिक जानकारी के लिए एक वेबसाइट है जिस पर ये सारी डिटेल दे रखी है, www.justjobco.in, ठीक है, इस वेबसाइट पे सारी डिटेल दे रखी है। उस वेबसाइट पे आप जाओगे तो सबसे पहले आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, तभी आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर पाएंगे। जैसे ही आप उसी वेबसाइट पे लिखा रहता है जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन नाउ, उसी पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म खुल के आएगा, उस फॉर्म में देखिएगा
अपना नाम, मोबाइल नंबर दिया रहेगा, मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगी, ओटीपी डाल देंगे, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका ईमेल आईडी डालने के लिए आएगा, ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगी, ओटीपी डाल के फिर ईमेल आईडी वेरीफाई करा लेंगे। उसके बाद अपना एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एज सब कुछ मेंशन करके वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद कौन कौन सी कंपनियां आ रही हैं, कौन कौन सी जॉब है, क्या क्या काम है, क्या क्या सैलरी वगैरह पैकेज है, और सारी चीज़ें देखने के लिए आप उसी वेबसाइट पे justjobco.in पे ऊपर जाएंगे। एक जगह लिखा रहता है जॉब फेयर, जॉब फेयर पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी अभी जॉब फेयर चल रहे हैं फिलहाल, तो उसकी लिस्ट एक आ जाती है। तो आप वहाँ पे 29 अप्रैल 2024 छिंदवाड़े वाले, छिंदवाड़ा जॉब फेयर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो जो कंपनियाँ आने वाली हैं उन सबकी लिस्ट आ जाएगी, कौन कौन सी जॉब है, क्या सैलरी पैकेज है, सब कुछ शो करेगा। ठीक है, आप अगर आप ऑनलाइन देख करना चाहते हैं अप्लाई, तो वहाँ पे एक अप्लाई बटन दिया रहता है जॉब के सामने, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद फिर जस्ट जॉब के से आपको कॉल आती है। ठीक है, तो इस जॉब, इस रोज़गार में संबंधित कोई भी और जानकारी चाहिए होगी तो जस्ट जॉब वेबसाइट पे जस्ट जॉब की हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं, उन पे आप कॉल करके कंफर्मेशन लेके भी पहुंच सकते हैं। वैसे ये इंटरव्यू कंफर्म है कल के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी ध्यान रखिए, लास्ट में एक बार और बता देते हैं, 29 अप्रैल 2024 मतलब कल सुबह 9 बजे से छिंदवाड़ा में आपका सत्ता प्राइवेट आईटीआई पड़ता है, जो कि आपका सियोनी रोड पे आपका फटका गोदाम है, उसी के पास ही आईटीआई कॉलेज है। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर करें। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।